हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड राजू प्रकाशन की बुक से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है दूसरा पार्ट हम देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसके पहले हम एसर्टिव सेंटेंस का पूरा कवर करा चुके हैं। इस एसर्टिव सेंटेंस में दो वीडियो बनाए, एक में रूल बताएं, एक में एक्सरसाइज बताएं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप क्लास 10th राजू प्रकाशन, ठीक है, ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, पूरा ग्रामर आप शुरू से देख लीजिए। यहाँ तक पूरे किताब हम कवर कराएंगे ग्रामर की, इसके बाद हम एक्सीलेंट का भी कवर कराएंगे, इसलिए आप उसको जो है ज़रूर देखिए और पूरी तैयारी करें हाई स्कूल या इंटर के किसी भी क्लास के लिए। इंग्लिश के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा करें। तो चलिए आज हम ये पार्ट 23 है, 22 पार्ट ग्रामर बना चुके हैं, नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको चलिए बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, देखिए, एक हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और एक जो है डब्ल्यू एस टाइप से बनने वाले। तो फर्स्ट टाइप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, इनको हिंदी में इनके क्या आती क्या शब्द से शुरू होने वाले या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, ये सब तमाम से हेल्पिंग वर्ब जो है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप को हम यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका हिंदी जो हम निकालेंगे, इसका उत्तर पूछेंगे तो यस या नो में आता है। जैसे राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, तो वो कह सकता है यस, हाँ जा रहा, यस मतलब हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं तो कहेगा नो, नो मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह से इसका उत्तर यस या नो में आता है, इसलिए इसको यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। और देखिए पहले यहाँ नियम दिया गया, आप देख ही लीजिए, तब उसके बाद एग्जाम्पल बता रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड या सेड के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगा देंगे, ठीक है। सेड की जगह क्या लगा देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। वैसे इंक्वायर्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो आप ऑफ करके ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कंजक्शन लगा के जोड़ देंगे, और आस्क के बाद नहीं लगाया जाता कुछ भी, कोई भी प्रिकॉशन। तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, और कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तथा इफ या वेदर, तथा मतलब ये कंजक्शन जहाँ कॉमा नोट काम घटाने के लिए आप इस असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते थे, तो इंट्रोगेटिव में दैट नहीं लगेगा, दैट के बदले क्या लगेगा, इफ़ या वेदर लगेगा। अब कहाँ कौन बेटर होगा, इफ़ या वेदर, इसका भी चर्चा आपको किया जाएगा। उदाहरण, ठीक है, इतना आप जान लीजिए कि सेड या सेट टू के स्थान पर आज डी इंक्वायर्ड, कंजक्शन इफ़ या वेदर लगेगा। उसके बाद और नियम अभी आपको हम बता दे रहे हैं। उदाहरण संख्या 5 के अनुसार सर को रिस्पेक्टफुली डियर को अफेक्शनेटली में बदलते हैं, यानी कि अगर वाक्य में सर आ जाएगा तो उसके लिए रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, और डियर आ जाएगा तो अफेक्शनेटली का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 देख लेते हैं इसी समय, कमला सेड टू द प्रिंसिपल, कमला ने प्रिंसिपल से कहा सर मे आई गो होम नाउ, श्रीमान जी क्या मैं अब घर जा सकती हूँ, तो हम यही कहेंगे ना सर आने पर, तो कमला आज द प्रिंसिपल, सर के लिए हम लगा देते हैं रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है। या आपको और भी कुछ किताब मिलेगा, कमला रेस्पेक्टफुली आज द प्रिंसिपल, तो ये रेस्पेक्टफुली या तो आप आज के पहले भी लगा सकते हो, यानी मेन वर्ब से पहले, या तो आप देख के बाद, ये लगता है इसका ये नियम है, ठीक है। और आप एक और ये भी रेस्पेक्टफुली या विथ रेस्पेक्ट भी कर सकते हैं, लास्ट में लगा रहे हैं कमला आज द टीचर द प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट, तो इस तरह से विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली का एक ही अर्थ होता है, आप इसको आप देख के बाद लगा देंगे, ठीक है, और या फिर मेन वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे विथ रेस्पेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, तो आप रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर दीजिए, सबसे सही, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद आपको क्या लगाना है, कंजक्शन लगा देना, ठीक है, सर के लिए रेस्पेक्टफुल लगा दिए, फिर कंजक्शन इफ़ या वेदर में से लगाना आपको, तो इफ़ लगा दीजिए। इफ़ के बाद देखिए एक बात यह भी जान लीजिए, कंजक्शन के बाद हमेशा जो है सब्जेक्ट लिखा जाएगा फिर वर्ब लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव में तो पहले साक्रिय रहेगी या डब्ल्यू एस रहेगा, लेकिन आप कंजक्शन जब लगा देंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ये मे या साक्रिया, मे भी एक प्रकार की मॉडल है, जल्दी साक्रिया है, प्रश्नवाचक वाक्य में आई है, तो मे के बाद सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट देखिए कंजक्शन इफ लगा दिए तो सब्जेक्ट मे के बाद आई है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसका सब्जेक्ट क्या, कमला, कमला क्या है, लड़की, तो इसलिए आई को लड़की के अनुसार बदलोगे तो प्रोनाउन हो जाएगा सी, और मे का जो है पास्ट टेंस में बदलोगे तो मे का हो जाएगा माइट, कहने का कुड मे का माइट हो जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मे के साथ लगा वही माइट के साथ भी लगता है, वो हो जाएगा होम, नाउ का केस में बदल जाता है देन, इस तरह से ये बदला जाता है इनडायरेक्ट। चलिए भी और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं।
यहाँ देखिए आगे रूल और क्या दिया गया, प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रियाकर्ता के पहले होती, जो आपको बताया वही लिखा गया, फिर से पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट में बदलते समय सहायक क्रिया को कर्ता के बाद ले जाकर बदला जाता है। सहायक क्रिया कर्ता के बाद मतलब देखिए इसमें दे, आई सब्जेक्ट हो गया तो मे को सब्जेक्ट के बाद लिखा गया ना, वही चीज़ क्योंकि एस आर टू बदलोगे, एस आर टू में सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया रहती है, इंटरोगेटिव में पहले। तो ये सब बातें हैं, चलिए देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल्स। जैसे पहला एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम, राम ने मोहन से कहा क्या तुम घर जा रहे हो, तो राम सेड टू का आस्ड हो गया आस्ड मोहन, इफ लगा दिए कंजक्शन, यू का मोहन के अनुसार ही हो गया, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, आर का ही के साथ वर लगता नहीं है तो इसलिए वाज लग जाएगा, इफ ही वाज गोइंग होम। दूसरा उदाहरण है, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब इसमें क्या है कि राम आस्ड हिम हो जाएगा, इफ ही वाज रीडिंग हो जाएगा, यू का हिम के अनुसार ही आर का वाज हो जाएगा। सीता सेड टू मीरा, सीता ने मीरा से कहा तो आस्ड मीरा हो जाएगा, इफ लगा दीजिए फिर इफ के बाद सब्जेक्ट यू को मीरा के अनुसार मीरा लड़की है तो सी हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है। उसके बाद साल दिस का दैट हो जाता है, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, प्रश्नवाचक हट जाता है, इतना ध्यान देना इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है और ये प्रश्नवाचक वगैरह हट जाता है, कोई निशान और लगता ही नहीं इनडायरेक्ट फुल स्टॉप वाला। सी सेड टू राधा, उसने राधा से कहा डू यू लाइक टू सीट हियर, तो हो जाएगा सी आस्क्ड राधा इफ सी, यू का राधा के अनुसार सी हो जाएगा, लाइक का पास्ट इंडिफिनिट बदलेंगे लाइक्ड हो जाएगा, और डू के साथ नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव में ही बनेगा तो इसलिए लाइक का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। टू सीट हियर का क्या हो जाएगा देयर, पांचवा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आगे कुछ विशेष रूल यहाँ दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। इफ़ या वेदर का प्रयोग कहाँ करें, ये आपकी राजू प्रकाशन की बुक में ऐसा वाक्य दिया गया सेम टू सेम, इसको भी हम समझा दे रहे हैं। इफ़ या वेदर जैसे दो लगते हैं ना, तो एक होता है कि बात कि वेदर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो वेदर का प्रयोग जहाँ करना चाहिए उसको भी इसमें बताया गया। विकल्प या च्वाइस बताने के लिए, च्वाइस माने इसे पसंद होता है, पसंद या विकल्प बताने के लिए वेदर का प्रयोग ही करना चाहिए, इफ का प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता जहाँ पसंद या विकल्प आ जाए। अच्छा, पसंद या विकल्प आप जानोगे कैसे, किसी से कोई दो चीज़ में से एक चीज़ छांटने के लिए या पसंद करने के लिए कहा जाएगा तो वो पसंद या विकल्प है ना, छांटने के लिए किया जाता तो विकल्प है, पसंद करने के लिए तो जाने जाओ। तो अगर आप इतने भी ना समझ पाए तो आपको एक ट्रिक बता देना है, पसंद या विकल्प रहेगा अगर कोई वाक्य आप देख लीजिए उसमें ओ आर शब्द आ जाएगा, क्या ओ आर, ओ आर माने या आर करके दो चीज़ें बताई जा रही हैं तो उसमें जान लीजिए एकदम एक आपको पसंद करना या छांटना, तो उसमें आप क्या करना इफ़ ना लगा के वेदर का प्रयोग कर देना, ठीक, अर्थ वही रहेगा। इफ़ या वेदर की हिंदी होती है कि क्या, तो लेकिन कि के लिए दैट का प्रयोग नहीं होता है, क्या के लिए वही जो है इफ़ या वेदर लगाता है, ठीक, इसलिए इफ़ या वेदर लग जाता क्या के। अब देखिए बता दे रहे हैं कैसे बना है, ही आस्ड, आस्ड का आस्ड ही गया, अगर सेड होता तब भी आस्ड हो जाता, उसके बाद हम वेदर का प्रयोग करेंगे क्यों, क्योंकि देखिए डू यू वांट टू हैव टी आर काफ़ी, इसका अर्थ क्या डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू हैव माने होता पीना, टी माने होता चाय, काफ़ी माने का क्या आप चाय पीना चाहते हो या काफ़ी, तो इसमें आपको दो में से एक चॉइस करना है ना, पसंद करना है भाई काफ़ी पियोगे एक चाय, व्यवस्था दोनों है, या फिर आपको विकल्प बताना है, दो विकल्प हैं कोई एक चुनना है कि हम क्या पिए, तो ऐसे वाक्य में ओ आर शब्द आता तो आप हमेशा जो है वेदर लगा दिए करिए, बात ही खत्म। तो वेदर, अब यू का, अब यहाँ देखिए यू तो सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है तो ऑब्जेक्ट आप मी मान लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो जिस पर्सन की कमी है उसको हम मान लेते हैं, या तो हमेशा थर्ड भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं, तो मी मान लीजिए, हम मान लिए ही आस्ड मी, तो मी के हिसाब से आई हो जाएगा, यहाँ मी हम मान लिए हैं ना, तो उसी हिसाब से मी को बदल देंगे आई, अगर हिम मानेंगे तो ही हो जाएगा, सी हर मानेंगे सी हो जाएगा, कुछ भी आप मान सकते हो, थर्ड भी मान सकते हो, फर्स्ट की कमी है तो फर्स्ट भी मान सकते हो। ही आस्ड वेदर आई वांट का वांटेड हो जाएगा, टू हैव टी काफ़ी आर टी, क्लियर, इतना ध्यान रहे टू के साथ हैव रहेगा तो हैव का हैड नहीं होता है क्योंकि ये मतलब इन्फिन टू हैव, वांट इसमें मेन वर्ब है तो मेन वर्ब और सहायक क्रिया बदली जाती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को नहीं बदला जाता, तो इसका अर्थ हो गया उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं काफ़ी चाहता था या चाय, अर्थ एक ही हुआ। अब यहाँ देखिए काफ़ी पहले के दिए चाय बाद में, तो उससे नहीं मतलब आप टी को पहले और काफ़ी को बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला रूल क्या कह रहा है, कहाँ वेदर का प्रयोग करना चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस में वेदर का प्रयोग किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस माने कंडीशन माने होता है शर्त होता है, तो अब शर्त वाले वाक्य इसका भी होता है, वेदर का प्रयोग करना चाहिए, कैसे जानोगे कंडीशनल सेंटेंस है उसको बता देना। देखिए
अगर कोई वाक्य आप देखिए उसमें इफ शब्द आया है और एक बात के अलावा एक बात उसमें कामा करके और लिखा गया है, या इफ बीच में आएगा तो कामा नहीं रहेगा, तो यानी कि इफ वाला वाक्य है तो उसमें कंडीशन रहती है, ठीक, यदि होता इफ मान। जैसे उदाहरण मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा इफ यू कम, यदि तुम आओगे आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो शर्त है ना, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ठीक। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए, इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया ना, तो कहीं प्रश्नवाचक नहीं लगा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, है तो ये असर्टिव सेंटेंस, तो थोड़ा वाक्य गलत दे दिया है, इसलिए जो है मतलब कि आपको जो है बता दे रहा हूँ, ये ऐसा वाक्य नहीं देना चाहिए इंट्रोगेटिव में, तभी तो वेदर लगेगा, जब असर्टिव है तो कहाँ वेदर लगेगा, इसको तो दैट से ही हम लगा देंगे, अगर बात करें इसका ओरिजिनल असर्टिव बनेगा ना, तो असर्टिव बता देना, लेकिन इसको भी हम सही करके बता दे रहे हैं इंट्रोगेटिव शब्द, तो मोहन टोल्ड मी होगा ये, अगर असर्टिव है तो प्रश्नवाचक, टोल्ड मी दैट, फिर आई का मोहन के अनुसार ही, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड हेल्प मी इफ ही, इफ आई कम का केम, इफ आई केम, या दैट के बाद इफ भी शुरुआत में भी ले सकते, दैट इफ आई केम कामा ही वुड हेल्प मी, ऐसे कर सकते हो, वैसे इफ बीच में कर देंगे तो कामा भी हट जाएगा, इस तरह से असर्टिव इस तरह से बनता, लेकिन फिलहाल इंट्रोगेटिव में आपको वेदर लगाना है तो वेदर का प्रयोग करना है, तो देखिए बता दे रहे हैं, ये वाक्य ऐसे मतलब लिखना चाहिए था, ठीक है, ये देखिए इनडायरेक्ट क्या बनाया, सेड टू का आस बदले हैं, वेदर लगाए हैं, इफ आई वेंट किए हैं, क्लियर, इफ आई वेंट ही वुड हेल्प मी, ठीक है ना, तो यदि मैं आया तो क्या वह मेरी सहायता करेगा, ठीक, तो अब देखिए यहाँ क्या है कि यदि क्या, देखिए ऐसे करना चाहिए था, इफ यू केम, तो यहाँ आई को बाद में कर दीजिए, ठीक है, और तो सैल आई, इफ यू केम, यदि तुम आए तब सैल हो जाएगा, नहीं सैल नहीं, हाँ सैल आई हेल्प यू, तो क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ऐसे प्रश्नवाचक लगा देंगे, ठीक है, ये सहायक क्रिया पहले हो जाएगी सब्जेक्ट बाद, इस तरह से करता तो वेदर यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, कम का गो होता है तो केम तो ना होके वेंट हो जाएगी, इसलिए फिर जो है यहाँ जो है हाँ ही कहाँ से आ गया, अब सैल के बाद आई है ना, आई को मोहन के अनुसार बदले हैं तो ही आ गया, और ही के साथ तो सैल लगता नहीं इसलिए विल लगता है, इसलिए उड हो जाएगा, हेल्प फिर यू का मी के अनुसार मी हो गया, क्लियर, इस तरह से बदला जाएगा, तो यहाँ प्रश्नवाचक निशान भी लगा होता है इंट्रोगेटिव माने, यही आई सहायक क्रिया पहले कर दो, सब्जेक्ट बाद में कर दो, लास्ट प्रश्नवाचक, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता, तो टाइपिंग मिस्टेक थी, फिलहाल इस तरह से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे, अब यहाँ क्या आपको इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज भी दिए गए हैं, तो एक्सरसाइजेज भी हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तब सेकंड टाइप पे चलेंगे, इसको हम शॉर्टकट में बताते चले जा रहे हैं, आप उसको कर लेंगे, रूल पढ़े लिए हैं। द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने पुत्र से कहा, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर लिए हो। देखिए पहली एक्सरसाइज है, पहले द मदर सेड टू हर सन, हैव यू डन योर होमवर्क, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो सेड टू का आप कर दीजिए आस्ट, मदर आस्ट हर सन, उसके बाद जो है आप इसमें इफ लगा दीजिए कंजक्शन, क्योंकि इफ या वेदर लगता है तो इफ लगा दीजिए, वेदर लगाते हैं आप, इफ अब यू का सन के अनुसार हो जाएगा ही, इफ ही, हैव का क्या हो जाएगा हैड, क्योंकि इफ या वेदर के बाद पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है फिर वर्ब लिखा जाता है, इफ ही हैड, उसके बाद डन, योर का जो है अब ही के अनुसार हिज हो जाएगा, ठीक है, यू के साथ योर लगता है, ही के साथ क्या लगता है, हिज लगता है, अपना कहेंगे इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, लास्ट में ये प्रश्नवाचक का निशान हटा के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, द फादर सेड डिड यू गो टू स्कूल टूडे, तो द फादर आस्क्ड कर दीजिए, सेड का आस्क्ड, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लीजिए, मी मान लीजिए या हिम मान लीजिए, मान लीजिए मी मान लीजिए, क्योंकि फादर थर्ड पर्सन है, यू सेकंड, जिसकी कमी उसको मान लीजिए, या तो हमेशा हिम या हर मान सकते हो, तो मान लीजिए हम जिसकी कमी है वही मानते हैं, मी मान लीजिए, तो फादर आस्क्ड मी इफ, इफ ठीक है, अब यहाँ इफ लगा सकते हो, लेकिन पसंद या विकल्प के लिए वेदर का प्रयोग भी अच्छा माना जाता है,
तो इसलिए आप वेदर भी इसमें लगा सकते हो। ओ आर है अगर तो पसंदीदा विकल्प के लिए हमेशा वेदर लगा सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर आपको लगे पसंदीदा विकल्प है तो वेदर लगाइए, नहीं तो इफ सही है हमेशा। अब इसमें क्या तुम स्कूल आज जाओगे, तो लड़का से कह रहे हैं तो थोड़ा उसकी पसंद पूछ रहे हैं ना, पढ़ने से लग रहा है, तो इसलिए वेदर का प्रयोग यहाँ भी अच्छा माना जाएगा। WHETHER तो फादर आस्क्ड मी वेदर, यू का मी माने हो तो आई हो जाएगा आई, और क्या तुम आज स्कूल गए थे, ठीक है। अब गो का ठीक है क्या हो जाएगा, तो अब डिड के साथ गो है तो पास्ट इनफिनिट टेंस है, तो इसमें जो है आई के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि डिड पास्ट इनफिनिट पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल, टुडे का क्या हो जाता है दैट डे हो जाता है, क्लियर। आगे इस तरह से इसमें इफ़ या वेदर दोनों लगा सकते हो कि हमारी पसंद पूछे थे, तो नहीं तो इफ़ भी इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं। सतीश सेड टू इरफान, सतीश ने इरफान से कहा आर यू रीडिंग इंग्लिश दिस डेज, तो सतीश आस्क्ड इरफान कर देंगे, ठीक है। और तो उसके बाद हम इफ़ या वेदर में से एक लगाएंगे, इरफान से पूछा सतीश ने क्या तुम इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो वेदर लगा देंगे या इफ़ लगा देंगे, तो फिलहाल अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो हमारी पसंद पूछ रहे हैं, तो वेदर भी हमको लग रहा है कि भाई पसंद भी पूछा जा रहा है इसमें, तो वेदर भी लगा सकते हैं। वेदर आई यू का नहीं सॉरी इरफान के अनुसार ही हो जाएगा, वेदर ही आर का वाज ही वाज रीडिंग इंग्लिश दिस डेज का दोज डेज हो जाएगा, दिस का दोज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं, ही सेड विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, तो हो जाएगा ही आस्क्ड, आज बाद मी मान लेंगे, तो इफ़ आई के साथ क्या लगता है शुड सैल लगता है, इसलिए शुड कर देंगे। सतीश आस्क्ड इरफान इफ़ आई सर, हाँ ठीक है ये तो हो गया सर, ये वाला ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, देखिए आई के साथ सैल लगता है इसलिए शुड भी कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सबके साथ वुड का प्रयोग होने लगा है, अगर आप वुड भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, वुड सबके साथ लग सकता है। इफ़ आई वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, यह भी सही है, अगर हिम मानेंगे तो हमें वुड ही होगा, ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, दोनों सही। सी सेड डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सी आस्क्ड हो जाएगा मी मान लीजिए क्वेश्चन में, या डायरेक्ट भी कर सकते इफ़ उसके बाद आई यू का क्या कर देंगे मी मानेंगे ताई हो जाएगा, तो गेट अप का गाट अप हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इनफिनिट टेंस है, डू या डज के साथ जब नॉट नहीं रहता तो डू या डज हटा देते हैं, बल्कि सेकंड फॉर्म लिख देते हैं इनडायरेक्ट में, तब पास्ट इनफिनिट का फॉर्मेटिव तभी होता है। इफ़ आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। राकेश सेड, तो राकेश आस्क्ड हो जाएगा, इफ़ अब मी में के अनुसार मानेंगे ताई हो जाएगा, इफ़ आई आर का वाज प्लेइंग फुटबॉल मैच दिस का दैट हो जाएगा दैट इवनिंग। बीनू विल से डू यू डू नथिंग दिस डेज, ठीक है, तो इसमें बीनू विल से, अब देखिए यहाँ सेड तो नहीं है ना, से है तो टेंस तो बदलता नहीं, केवल शब्द बदल सकते हैं, तो आस्क हो जाएगा, बीनू विल आस्क हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, क्लियर, उसी टेंस में रिपोर्टिंग पर रहेगा, केवल शब्द रहेगा चेंज, सेड होता तब आस्क होता, नहीं तो ASK केवल होगा आस्क। बीनू विल से को आस्क करेंगे, उसके बाद मी मान लेंगे तो इफ़ हो जाएगा, फिर यू को मी के अनुसार क्या करेंगे इफ़ आई हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, टेंस तो बदलेगा नहीं, इफ़ आई अब डू का जो है डिड हो जाएगा, डू का क्या हो जाएगा डिड नथिंग दिस का हो जाएगा दोज, इफ़ आई डिड नथिंग दोज डेज, ये चीज़ हो जाएगा, क्लियर, सॉरी डिड नहीं होगा डू ही रहेगा, इसलिए डू होगा बता देना, क्योंकि आज के फ्यूचर टेंस में यहाँ तो क्लियर है, तो टेंस नहीं चेंज होगा, तो आज से जो प्रेजेंट टेंस है विल से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो इसलिए टेंस नहीं बदलता, आई डू का डू ही रहेगा, टेंस बदलता सेड होता आस्क्ड होता तब डू, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बीनू विल आस्क हो जाएगा, इफ़ आई ये डू यहाँ से हटा दीजिए, डू नथिंग दोज डेज हो जाएगा, ये डू सहायक क्रिया हट जाएगा, ये डू मेन वर्ब रहेगा, नथिंग दोज डेज, इफ़ बीनू विल आस्क इफ़ आई डू नथिंग दोज डेज, क्लियर। आगे प्रेमा सेड विल यू गो टू सी द एक्सेप्शन, प्रेमा सेड का आस्क्ड हो जाएगा, और मी मान के अब आई इफ़ के बाद आई कर देंगे, इफ़ आई
बिल का जो है उड कर दीजिए, चाहे सुड आ एक साथ दोनों चलता है, गो के साथ टू सीधा एक्सेप्शन वैसे रहेगा। ही सेड टू हिज सिस्टर इज गांधी ए नॉट ए गुड फिल्म, तो वो अपनी सिस्टर्स का क्या गांधी अच्छी फिल्म नहीं है। तो देखिए अब उसकी तो ही आस्ट हिज सिस्टर कर देंगे इफ़ या वेदर लगा देंगे या ठीक है वेदर भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसकी लगा सकते हैं क्योंकि उसकी पसंद भी है। तो ही आस्ट हिज सिस्टर वेदर गांधी पहले कर देंगे इज का वाज बाद में कर देंगे, वेदर गांधी वाज नॉट ए गुड फिल्म, गांधी फिल्म का नाम है यहाँ। हुसैन सेड तो हुसैन आस्ट हो जाएगा इफ़ लगा देंगे, फिर आई का जो है हुसैन के अनुसार ही हो जाएगा ही, मे का क्या हो जाएगा माइट, उसके बाद टेक दिस का दैट हो जाएगा बुक फॉर ए डे। अगला राधा सेड शुड यू शुड ए यंग मैन बिहेव लाइक दिस, तो राधा आस्ट हो जाएगा इफ़ लगा देंगे क्योंकि यू शुड भी सह क्रिया, इफ़ ए यंग मैन सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद तब शुड कर देंगे, इफ़ ए यंग मैन शुड बिहेव लाइक दिस का दैट हो जाएगा दिस का दैट। जॉन सेड विल यू नेवर हेल्प मी, तो जॉन आस्ट मी मानेंगे तो यू का आई हो जाएगा, आई विल का उड कर दीजिए या शुड दोनों के साथ दोनों लगता है आई के साथ इनडायरेक्ट में, इफ़ आई शुड नेवर हेल्प मी का जान के अनुसार हिम हो जाएगा। श्याम सेड टू मुबारक हैज़ योर फादर गॉन टू मक्का ऑन हज, श्याम आस्ट मुबारक हो जाएगा ठीक है, श्याम आस्ट मुबारक, उसके बाद जो है इफ़ कर देंगे हम ठीक है, इफ़ योर का योर फादर का मुबारक के अनुसार हिज फादर हो जाएगा ठीक है, इफ हिज फादर हैज का हैड हो जाएगा, हैड गान से जोड़ दी गान टू मक्का ऑन हज। नेगी सेड सर डिड यू लाइक आवर कल्चरल प्रोग्राम, तो नेगी सेड का जगह क्या हो जाएगा आस्ट, आस्ट ठीक है, अब इसमें मानना है तो आप यू भी कर सकते हो हिम भी कर सकते हो ठीक, आस्ट हिम कर सकते हैं या आस्ट हिम टीचर के लिए लगा सकते हैं ठीक है, पोस्टक में मान लीजिए या आस्ट हर टीचर भी कर सकते हो, आस्ट हिम मान लीजिए इफ़ लगा दीजिए ठीक है, इफ़ या वैसे इसमें आप वेदर का प्रयोग भी कर सकते हो क्योंकि पसंद या विकल्प पूछा जा रहा है तो इसलिए वेदर का प्रयोग भी अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, वेदर ठीक है लाइक है तो वेदर का प्रयोग अच्छा मान जाएगा। तो वेदर हिम के अनुसार ही हो जाएगा टीचर के लिए, और लाइक का क्या हो जाएगा लाइक्ड ठीक है। अब एक बात है अभी ध्यान दीजिए, नेगी आस्क्ड हिम टीचर के लिए हिम मान लीजिए, उसके बाद आप रेस्पेक्टफुल्ली सर के लिए रेस्पेक्टफुल्ली अभी बताया गया था ना, रेस्पेक्टफुल्ली का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, नेगी आस्क्ड ठीक है हिम रेस्पेक्टफुल्ली, वैसे टीचर हैं तो रेस्पेक्टफुल्ली कहेगा, नहीं भी लगाएंगे चल जाएगा लेकिन लगा दें देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगी आस्क्ड हिम रिस्पेक्टफुल्ली, इफ़ ही या वेदर ही, तो वेदर का प्रयोग यहाँ पूछ रहे हैं पसंद तो ज़्यादा बेटर होगा, तो वेदर ही लाइक्ड। अब एक बात ये भी ध्यान दीजिए, आवर है ना तो आवर को हमेशा देयर में ही बदलेंगे, ही लाइक्ड देयर कल्चरल प्रोग्राम, हमारा मतलब जैसे नेगी के साथ और भी जो लड़कियाँ हैं सब लोग मिल के प्रोग्राम की, तो इसलिए आवर का देयर हो गया, अगर वो माई कहीं होते तब हर होता। अली सेड आई एम आई नॉट फूल नॉट ए फूल टू ट्रस्ट यू, तो अली आस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आस्ट, उसके बाद जो है यहाँ इफ़ या वेदर लगा देंगे, मान लीजिए वेदर ही लगा दीजिए, इफ भी लगा सकते हो, वेदर ठीक है, अली ने कहा क्या मैं तुम पर विश्वास, आई एम आई नॉट ए फूल टू ट्रस्ट, क्या मैं मूर्ख नहीं हूँ जो तुम पर विश्वास किया, या तुम पर विश्वास करने के लिए मूर्ख नहीं हूँ, तो वेदर अपने ही पसंद पूछ रहा, तो अली आस्ट इफ़ या वेदर में से एक लगा देंगे, मान लीजिए वेदर लगाइए, वेदर भी सही है, वेदर आई का क्या हो जाएगा अली के अनुसार ही एम का वाज हो जाएगा, नॉट ए फूल टू ट्रस्ट, फिर यू का जो है आप चाहे यू ही रहने दीजिए, यहाँ यू मानेंगे नहीं तो आप यहाँ हिम भी मान सकते हैं क्लियर, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है अली थर्ड पर्सन है, आप हिम तो हमेशा मान सकते हो मी भी मान सकते हो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज नंबर एक थी, चलिए इनडायरेक्ट में आपका ये फर्स्ट टाइप में ही एक एक्सरसाइज ये और है मात्र एक एक्सरसाइज, उसके बाद जो है आपका सेकंड टाइप आएगा, चलिए इसको भी याद देख लेना है सेकंड टाइप, फिर अगली वीडियो में हम देख लेंगे। अब देखिए रूपा सेड टू रेखा विल यू पार्टिसिपेट इन द कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम, तो इसमें हम आपको डायरेक्टली जो है इसका आंसर बता दे रहे हैं ताकि बड़ा समय लगे तो लग जाएगा ठीक है, तो
रूपा देखिए सेट टू का आस्ट कर देंगे, आस्ट रेखा। उसके बाद फर्स्ट टाइप ही है तो इफ, इसमें आप इफ लगा दीजिए। अब यू को जो है रेखा के अनुसार आप क्या कर देंगे, सी कर देंगे, बिल का उड कर देंगे, इफ सी उड पार्टिसिपेट से आगे सब कुछ करते चले जाइए, कुछ करना वरना नहीं है। आगे दूसरा वाक्य, नीरज सेड फ्रेंड्स इज नॉट एन इम्पर्टिनेंट डेविल्स व्हाट्सएप, तो सेड का आस्ट कर देंगे, ठीक है, नीरज आस्ट। अब यहाँ फ्रेंड्स से कर रहे हैं ना, तो आप आस्ट फ्रेंड्स कर दिए, या नीरज अब लड़की है, लड़की का नाम भी नीरज होता है तो वैसे लड़की का भी नाम होता है, इसमें दोनों कर सकते हो, हिज या हर दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीरज आस्ट मान लीजिए हर फ्रेंड्स कर दिए, लड़का है तो हिज दोनों कर सकते हो इसमें, क्योंकि कॉमन है नाम, लड़की लड़के दोनों को पड़ता है। आस्ट हर फ्रेंड्स, ठीक है, हर फ्रेंड्स या हिज फ्रेंड्स भी आप यहाँ कर सकते, एक ही करना है चाहे जो करना। उसके बाद जो है अपने दोस्त से पूछा है, हर या हिज नहीं लगेंगे तो द फ्रेंड से कह सकते हैं, क्लियर। तो उसके बाद इज नॉट एन एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है, इफ़ या वेदर में से एक लगाना तो मतलब वेदर कर दिए। वेदर के बाद जो है एन एम्प्टी माइंड, ये सब्जेक्ट कर दिए, उसके बाद ये वर्ब ला के जो है एम्प्टी माइंड के बाद इज नॉट कर दिए, इज नॉट ए डेविल्स वर्कशॉप। वैसे इसको हम इसका आवाज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ना बदलें तो ही बेटर है, ठीक है, क्योंकि कहावत कहीं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एन एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, तो उसी हिसाब से ठीक है, वेदर एन एम्प्टी माइंड इज नॉट अ डेविल्स वर्कशॉप बेटर होगा, ठीक है। टेंस यहाँ बदलना कोई ज़रूरी नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता है, ऐसे मतलब आप पूछेंगे, अगर होता था, अगर जनरली बात बताएं तो आज भी कर देंगे, तो इसमें गलत नहीं होगा, वैसे कहावत है, इसमें कोई बदलना जरूरी नहीं है। अगला, ठीक है, तो कहावत वही प्रश्नवाचक ढंग से इसमें पूछ लिया गया है, तो इसलिए पूछने के हिसाब से आप इसका वाज नॉट भी कर देंगे तो सही है, फिलहाल सेंस के अनुसार इसमें वाज नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं है। आगे, दीपा सेड टू सुरेखा डू यू नॉट टेक बाथ डेली, तो दीपा आस्क्ड सुरेखा हो जाएगा, तो वेदर वेदर कर दो या इफ कर दो, उसके बाद जो है ठीक है वेदर या इफ में सेक लगाना है, तो मान लीजिए हो गया दीपा आस्क्ड सुरेखा इफ, अब यू को सुरेखा के अनुसार आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लड़की है, इफ सी, ठीक है, डू नॉट का जो है डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट टेक पाथ डेली, ऐसे हो जाएगा। द लायन सेट टू द डियर सेट टू का आस्क करने आस्क द डियर, उसके बाद फर्स्ट टाइप इफ लगा देंगे, फिर यू को डियर के अनुसार जो है हम बदलेंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तो ही तो पालतू का सेंस रहता है जानवर, तब हम ही का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम इट का प्रयोग कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए आप यहाँ इट ही कर दीजिए, ठीक है। जैसे जानवर के लिए ही भी लगता है, इट भी लगता है, पालतू रहता तो ही नहीं तो इट लगाना चाहिए, ये इसका बेस्ट रूल है। तो मान लीजिए इसे यहाँ इट लगा दिए, द लायन आस्क्ड द डियर इट इफ इट, उसके बाद कुड रन फास्टर दैन हॉर्स, ये सब कुछ वैसे कर देंगे। एडवर्ड सेड कैन आई नेवर रीपे योर काइंडनेस, तो एडवर्ड सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे तो यूराया है आस्क्ड में, या हिम भी कर सकते हो, उसके अनुसार ही को हिम आई को बदल दो, आई को तो लेकिन हाँ एडवर्ड के अनुसार बदलना। इफ ही कुड एवर रीपे, अब योर का मी माने तो माई कर दो, हिम माने हिज कर दो, काइंडनेस का काइंडनेस रहना। अगला, डॉक्टर सेड टू द यंग बॉय डू यू स्मोक, तो डॉक्टर आस्क द यंग बॉय इफ ही स्मोक का स्मोक्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक, इफ ही स्मोक्ड या वेदर ही स्मोक्ड, क्या तुम पसंद स्मोक करते हो बड़ी सिगरेट में, तो वेदर ही स्मोक्ड उसको पसंद पूछ रहे हैं। शिवा सेड टू मनीष, तो शिवा आस्क्ड मनीष इफ यू का मनीष के अनुसार ही आर का वाज हो जाएगा, वाज ए वेजिटेरियन। शीला सेड टू रेखा, शीला आस्क्ड रेखा, और उसके बाद इफ ही सॉरी रेखा के अनुसार सी हो जाएगा, इफ सी हैड एवर बीन टू मुंबई हो जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर हो जाएगा, इफ लगा देंगे, मदन डज नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, इफ मदन डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। रमन सेड टू मोहन, तो आस्क्ड मोहन हो जाएगा, इफ लगा देंगे, उसके बाद मोहन को के अनुसार यू को ही कर दें, इफ ही डू नॉट डिड नॉट, इफ ही डिड नॉट रीड एनी न्यूज़ पेपर, एनी पेपर डेली। आगे, आई सेड टू मीतू, आई आस्क्ड मीतू, इफ यू को मीतू, मीतू के अनुसार हम बदलेंगे तो सी ही हो जाएगा, ठीक है, मीतू लड़के का नाम है,
ही हो जाएगा। अगर लड़की का नाम है तो सी भी कर सकते हो, आजकल कुछ काम नाम है ये लड़का लड़की दोनों का हो सकता है, तो मान लीजिए ठीक है लड़के के हिसाब से ही कर दिए। आई आस्क्ड मी टू इफ़ ही, ठीक है, और डू हट जाएगा क्योंकि नॉट नहीं है तो नो का न्यू हो जाएगा। इफ़ ही न्यू, अगर लड़की आप के हिसाब से आप बनाना तो सी न्यू, दोनों सही है इसमें। वेदर मिस्टर गुप्ता, वेयर वेयर मिस्टर गुप्ता लिव का लिव्ड हो जाएगा, लिव्स का पास्ट टेंस में। इज दिस वे टू संगम द पिलग्रिम आज द पुलिस मैन, ठीक है, तो इसमें पिलग्रिम आज द पुलिस मैन, पिलग्रिम मैन तीर्थयात्री ने पुलिस मैन से पूछा, क्या पूछा, इज दिस वे टू संगम, क्या यह संगम का मार्ग है। तो आप इसको पहले बाद भले रिपोर्टिंग पर बाद स्पीच बाद में लिखें लेकिन उसको इंडायरेक्ट में पहले लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा द, पहले लिखेंगे शुरुआत में द पिलग्रिम आज द पुलिस मैन, ये चीज़ आपको पहले हो जाएगा। उसके बाद जैसे इफ़ या वेदर में से लगा देंगे, ठीक है, इफ़ या वेदर में से एक लगा देंगे, इफ़ या वेदर चाहे जो लगा सकते हो। अब उसके बाद जो है आपको क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका सहायक क्रिया है तो इसके बाद दिस सब्जेक्ट है तो आप इसको लिख देंगे वेदर, दिस का क्या हो जाएगा दैट, और इज का क्या हो जाएगा वाज, वेदर दैट वाज। उसके बाद वे टू संगम, तो वे टू संगम इसके पहले आप दा लगा सकते हैं, द वे टू संगम या वे टू संगम भी कह सकते हैं, वेदर दैट वाज द वे टू संगम। अब आदमी आगे देखते हैं, द मैनेजर ऑफ द टीम सेड टू कैप्टन, तो सेड टू का आस्क कर देंगे, आस्क कैप्टन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ इफ़ लगा दीजिए, इफ़ या वेदर में से एक इफ़ लगा दीजिए, यू का कैप्टन के अनुसार हो जाएगा ही, और बिल का क्या हो जाएगा वुड, प्ले द मैच टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, टुमारो क्या हो जाता है द नेक्स्ट डे, ये नहीं करता सूचक शब्द बदल दिए जाएंगे। अगला है वांट यू हैव डिनर विथ अस, क्या तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे, तो हम हरी आस्ट, हरी आस्ट, हरी ने पूछा, तो इसमें क्या करेंगे हरी आस्ट, ये आपको पहले लिखना है भले बाद में आया, ठीक है। अब उसकी मान लीजिए इफ़ या वेदर में से एक लगाना है, इफ़ कर दीजिए मान लीजिए इफ़, ठीक है, इफ़ या वेदर इसमें दोनों लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लीजिए इफ़ लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, अब यहाँ तो आज के बाद कुछ नहीं दिया, मान लीजिए हम भी मान लिए उस टाइम लिख भी सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो वेदर या इफ़ करके आई कर दिए, इफ़ आई वांट, ना वांट किसका फॉर्म है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, विलेंट नहीं होता, तो इसका मतलब कि वुडेंट होता है शॉर्ट फॉर्म, वुड नॉट वुडेंट, वांट का शॉर्ट फॉर्म वुडेंट होता है, या वुड नॉट भी आप पूरा भी ले सकते हो, आप चाहे वुडेंट कर दीजिए या वुड नॉट भी कर सकते हैं, ठीक, तो ये पोस्ट ऑफिस हट जाएगा, ये दूर दूर हो जाएगा, ठीक है, वुडेंट कर दीजिए या वुड नॉट फुल फॉर्म लिखेंगे तो, हाँ इफ़ आई वुडेंट हैव कर देंगे, हैव का हैव ही रहेगा, ठीक है, वुड नॉट सहायक क्रिया होगा तो हैव नहीं बदला जाता है, वुड वुड के साथ भी हैव ही लगता है, कोई भी मॉडल एग्जाम्पल के साथ हैव ही लगता है, हैड नहीं लगता। वेदर आई वुडेंट हैव डिनर विथ अस का हम देम कर देंगे, क्या कर देंगे देम, क्यों कर देंगे, क्योंकि अस एक बहुवचन है, तो हरी कहा है हमारे साथ, हमारे साथ मतलब उसके साथ और भी लोग हैं, तो इसलिए देम हम कर देंगे, केवल मी कहा होता विथ मी तब हम हिम में कर सकते थे। अगला एलिस सेड टू एडवर्ड, एलिस ने एडवर्ड से कहा इज नॉट इट इट नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू हियर टुडे, तो अली इसमें सेड टू का आस्ट कर देंगे, आस्ट एडवर्ड, उसके बाद इफ़ या वेदर में से एक लगाएंगे, तो मान लीजिए इफ़ कर देंगे, या वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ इट इज का क्या हो जाएगा वाज, वेदर या इफ़ इट वाज नॉट ए सरप्राइज टू मीट, यू का एडवर्ड के अनुसार क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे हो जाएगा, तो पूरा फ्रेज बता दे रहे हैं, एलिस आस्क्ड एडवर्ड वेदर या इफ चाहे जो लेके, तो इफ इट वाज नॉट अ सरप्राइज टू मीट हिम देयर दैट डे, क्लियर हो गया। संकेत देखिए दिया गया कि पिछले वर्णन में पढ़ चुके क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा यूं ही कंजक्शन का प्रयोग किए बिना हट जाता है, इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता बल्कि दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है, ये सेकंड टाइप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें अलग से कंजक्शन लगता है, तो चलिए अब सेकंड टाइप के बारे में अगले वीडियो में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, उसकी एक्सरसाइज भी बताएंगे, तो इसलिए ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी दबा के रखिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।